रंडी अवारा कोठा वाली और 50 दिन रखले या तो मतलब बहुत फुहर फुहर गाड़ी यहाँ तक कि स्टाम्प पेपर लावत वाटी लिख दे वो पढ़ते तो के हम नाय रखम। चल जो ऐसे छोड़ छाड़ के तेसे भाग नमस्कार, जय माता दी, हर हर महादेव। और बताइए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज मैं एक नई वीडियो लेके आई हूँ, निशा गोरखपुरिया, जो कि इनका वीडियो मैं कल रात में देखी थी। रात में वीडियो बनाने का मेरा टाइम नहीं लगा। आप सभी लोग जान ही रहे हैं कि अभी व्रत चल रहा है, घर का भी काम होता है प्लस दुकान का भी होता है। अभी मैं सोची कि थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं एक वीडियो बनाऊं उनके लिए। उनके वीडियो का हम जो है चैनल है, जो उनका चैनल का नाम हम दे देंगे अपने डिस्क्रिप्शन में, और आप लोग जाके उनका वीडियो वहां से देखना कि कितनी दर्द भरी उनकी कहानी है। उनका पति उन पे आरोप लगाता है, लांछन लगाता है। देखिए, अगर कोई बाहर का आदमी लांछन लगाए तब तकलीफ इतनी ज़्यादा नहीं होती। तब पता है गर्व एक रहता है बात का कि कोई बात नहीं, दूसरा कोई जिसको जो मन में आए कहने, तो मेरा पति तो नहीं कह रहा है। लेकिन एक औरत टूटती तब है जब उसका आदमी स्वयं आरोप लगाए। वो वीडियो बनाती हैं, मेहनत करती हैं, और अपनी सारी दर्द भरी कहानी उन्होंने अपने वीडियो द्वारा जो है बताया है। और इतना सब कुछ सह के भी वो शांत रहती हैं, लेकिन इतनी गंदी तरीके से मारपीट करना, इतनी पतली से बात करना, अरे तुम इंसान हो या हैवान? मेरे हिसाब से ऐसे पति को जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। कम से कम नहीं हो तो एक ही बात का दुख है कि आदमी मेरे है ही नहीं है। और आदमी होते हुए भी अगर इस तरह से बात करे, इस तरह लांछन लगाए, बीच रोड रास्ते पे मारे बुला के, तो मेरे हिसाब से तो उसका जीने का कोई हक ही अधिकार नहीं है। और आप लोग को अगर ये बात लगता होगा कि ये उनका पर्सनल मैटर है, तो मेरे हिसाब से सोशल मीडिया पे बताना नहीं चाहिए। और सोशल मीडिया पे अगर कोई बताता है तो वो बात पर्सनल नहीं होती। पर्सनल बात वो होती है जो चार दीवारी के अंदर हो। और सोशल मीडिया पे अगर आके वो बता रही हैं, तो हर कोई वीडियो उनके लिए बनाएगा, हर कोई अपनी राय सलाह सलाह मशवरा देगा, जो कि मुझे उनका वीडियो देख के बहुत 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 तकलीफ हो रहा है। क्योंकि एक औरत होने के नाते दर्द को समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जिसके अंदर इंसानियत होगा समझेगा, जिसके अंदर इंसानियत नहीं होगा तो नहीं समझेगा। ठीक है, चलिए हम उनका वीडियो आप सभी लोग को दिखाते हैं। दारू पियल एक नाते ई हमार कुल दुर्दशा होला, और हम सबुर संतोष कई के हम कहीं जाई रहे ना, हम अपन गांव घर छोड़ के कहीं ना जा रहे। कंग मेहरारू होलिन रो के रिसिया के फुर से चल देलिन नहीं घरे। लेकिन आप लोग उनका वीडियो देख ही लिए होंगे और सुन भी लिए होंगे कि वो क्या बोल रही हैं। आप लोग बताइए मैं कुछ गलत बोली हूँ? अगर मैं कुछ गलत बोली हूँ तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मेरी आदत है कि जो बोलती हूँ सच बोलती हूँ, तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है। दिन प्रदिन अत्याचार बढ़ ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्यों ऐसा आप लोग करते हैं जो सोशल मीडिया पे बताना पड़ेगा? पीते हो, खाते हो, पीने खाने के लिए आपके पास जो है। फ्रेंड्स, आप लोग से यही कहना चाहूंगी कि इंसान अपने आप गरीब होता है और अपने आप अमीर। ठीक है, मेहनत करोगे तो आप गरीब नहीं रह जाओगे। जब पी सकते हो, खा सकते हो, तो फिर अच्छा कपड़ा क्यों नहीं पहन सकते? अच्छा खाना क्यों नहीं खा सकते? अच्छे घर क्यों नहीं बनवा सकते? अपने बच्चों की जरूरत को क्यों नहीं पूरी कर सकते? अपने बीवी की इलाज क्यों नहीं करवा सकते? या खुद का इलाज क्यों करा सकते भाई आप?
बताइए। किसी को भगवान ने हाथ पैर नहीं दिया है तो उसकी एक मजबूरी है। आपको हाथ दिया है, पैर दिया है, तो आप गरीब क्यों हो? अब मेरे हिसाब से आपको ये नहीं कहना चाहिए कि मैं गरीब हूँ। हाथ दिया है, पैर दिया है, मेहनत कीजिए, कमाइए, गरीब कहाँ से रह जाएंगे आप? अगर आप 10 घंटे की ड्यूटी करते हैं तो कोशिश करिए 12 घंटे और 15 ड्यूटी करिए। कब तक गरीबी जो है लगी रहेगी और आप आगे नहीं बढ़ोगे? गरीबी पीछा नहीं छोड़ेगी अगर आप डबल मेहनत करोगे तो, क्यों नहीं? मेहनत कीजिए, कमाइए। ये रोना रोने से नहीं होगा, कोई दे नहीं देता है कि हम गरीब हैं, हम गरीब हैं। अपनी गरीबी और अमीरी अपने हाथ में होती है। भगवान ने हाथ पैर दिया है, कमाइए और खाइए। ये रोना रोना बंद कीजिए आप लोग, ठीक है? और पत्नी का सम्मान कीजिए। जो आप दारू पी रहे हो बाहर, वही अपने बच्चों के लिए खाने के लिए लेके आइए, पहनने के लिए लेके आइए, दवा इलाज कराइए। कभी आप लोग भूखे नहीं मरोगे और ना ही गरीब रह जाओगे। पेट पर्दा आप लोग का जरूर चलेगा, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम करते हैं एंड, क्योंकि वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो जाएगा। और आप लोग उनकी वीडियो को देखना और आप लोग भी उस बात पे जो है कमेंट करना उनकी वीडियो को देख के, और आप लोग बताना कि मैं कुछ गलत बोली हूँ। तो जो भी जिसका राय होगा प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा आप लोग। कोशिश रहेगी मेरी कमेंट द्वारा रिप्लाई मैं भी करूँगी। पुलिस, थाना, अदालत, कोर्ट कचहरी, दुनिया जानता है और हम भी जानते हैं। आजकल जो अंगूठा लगा रहा है वो भी जानता है। कुछ इंसान है कोर्ट कचहरी करता है, कुछ इंसान जो है झेलता है, नहीं करता, नहीं करना चाहता, ठीक है? क्योंकि जो अपने मान प्रतिष्ठा को बचा के रखने वाला इंसान होगा तो नहीं करेगा। लेकिन हद से ज़्यादा जब बात बढ़ जाती है तो लोग कहीं ना कहीं तो कहते ही हैं, कहीं ना कहीं तो अपना लगता ही है कि कम से कम कोई तो होगा मुझे समझने वाला। ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। जय माता दी।